क्या आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है? बोलिए यस और नो। अगर आपका जवाब यस है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ जेटू सॉफ्ट सॉल्यूशन एंड एल्काशिया नारो। मैं बात कर रहा हूं आज इस वीडियो में उन लोगों के लिए जो एक अच्छा बिजनेस तो करना चाहते हैं। पहला, उनके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं है। दूसरा, उनके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है करने के लिए, लेकिन वो बिजनेस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं ऐसे लोगों की जो अपने बच्चों की बर्थडे पार्टीज मनाते हैं और उसको एक इवेंट की तरह प्लान करते हैं। किटी पार्टी मनाई जाती है और उसको एक इवेंट की तरह प्लान करते हैं। कई बार ऐसे लोग, ऐसे परिवार जो खुद में सक्षम है एक इवेंट का खर्चा उठाने के लिए, तो वो लोग कई बार इवेंट प्लानर तो बुला लेते हैं, लेकिन हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो घर पर ही उन सारी चीजों की तैयारी करके और मेहमानों की खातिरदारी और उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ खुद ही उठाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में वो एक चीज मिस कर जाते हैं, जहां पर घर की औरतें और घर के दूसरे लोग मेहमानों के लिए खाना बनाने और उनकी दूसरी आवभगत में लग जाते हैं, वहां पर वो एक चीज मिस कर जाते हैं, वो है बच्चों का एंटरटेनमेंट। क्योंकि रिश्तेदारों के साथ उनके बच्चे भी आते हैं और बच्चों के दोस्त भी आते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ मिस करते हैं, बच्चों की गेम एक्टिविटी और उनका एंटरटेनमेंट। आपको इसी बीच में यहाँ पर ये जो बीच का गैप है वो आपको करना है फुलफिल। अब आपको यहीं पर पूछ जाना है, देखिए करना क्या है। उन बच्चों के लिए आपको गेम प्लान एक्टिविटी करनी है। आप यहाँ पर 2 से 3 घंटा एक्टिविटी करवा के या 1 से 2 घंटा एक्टिविटी करवा के, जो भी आपके क्लाइंट की नीड है या जितने समय भी उनकी पार्टी चलने वाली है, उतने टाइम के लिए अगर आप बच्चों को अच्छे से एक्टिविटी करवा के और गेम खिलाकर अगर उनको आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, तो आप 2 से 3 घंटे का एक नॉर्मल सम 2 से 5 हजार रुपये बड़े आराम से कमा सकते हैं। यहाँ इन एक्टिविटी में यूज होने वाली जो भी चीजें हैं उनको आप रीयूज कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारी जगह आप यूज कर सकते हैं, हर एक जगह पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीजों को कम या बढ़ती कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम यूज हो, वो मल्टी टाइम यूज हो सकती है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप 4 से 5 हजार रुपए की चीजें अगर इकट्ठा करके आप 2 से 3 घंटे अगर 3 हजार 4 हजार 5 हजार रुपए अगर आप कमा सकते हैं, इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं है। जस्ट फॉर आपको यहाँ पर अब दिक्कत आएगी, क्लाइंट कैसे मिलेगा, इसका एक सीधा सा आसान मैं तरीका बता देता हूँ। फेसबुक ऐड आप रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड आप रन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप अकाउंट बना लीजिए, जहां पर भी आप गेम एक्टिविटीज करवा रहे हैं या बर्थडे पार्टी या किटी पार्टी में जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए, और वहीं पर जो रिश्तेदार उनके आए हुए हैं ना, अगर आप अच्छी एक्टिविटी करवा देते हैं तो वो आपका नंबर खुद लेकर जाएंगे कि हम भी अपने बर्थडे पार्टी में बच्चों की आप ही को बुलाएंगे, आइएगा जरूर। तो यहां पर तो आपको रेफरल डायरेक्ट और आपके क्लाइंट के यहां से आपको क्लाइंट मिलते रहेंगे। तो यहां क्लाइंट मिलना बहुत ज्यादा इजी है, आप महीने का 1-1.5 लाख रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हैं दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से प्लान कर लेते हैं। अगर आप एक पार्टी का और पर डे अगर एक पार्टी भी आप अटेंड करते हैं, तो अगर आप 3 हजार रुपए भी लेते हैं मान के चलिए, तो 90 हजार रुपए तो बड़े आराम से हो जाता है। और महीने में अगर आप 15 पार्टियां भी अगर अटेंड करते हैं, डेली भी अगर नहीं करते हैं, तो 45,000 to 50,000 आपका किधर भी नहीं गया। और रही बात क्लाइंट की, वो सोशल मीडिया के जरिए आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कम इन्वेस्टमेंट का है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा से ग्रो कर जाए तो आप अपने नीचे कुछ स्टाफ लगा सकते हैं, सैलरी बेस्ड या पार्टी होस्ट बेस्ड, है ना। तो जो आपका स्टाफ है आप उसको कमीशन पर रख सकते हैं या सैलरी पर रख सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। जितने नंबर्स ऑफ स्टाफ होंगे उतनी आपकी कमाई बढ़ जाएगी। फिर आप सोच सकते हैं जब इनकम बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है, और जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो अगेन इनकम बढ़ती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसे ही मजेदार बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं, और जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके आइडिया आपको कैसा लगा और आप बच्चों से कितना प्यार करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।